राजस्थान में आज सुबह सुबह एक दर्दनाक घटना घटित हो गई। यहाँ पर एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। इस क्रैश में घटना में पायलट तो सुरक्षित बच गया, लेकिन दो ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारतीय वायुसेना का मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। वायुसेना के सूरतगढ़ स्टेशन से विमान ने उड़ान भरी थी। वायुसेना के अनुसार उड़ान भरने के साथ ही विमान में टेक्निकल फॉल्ट सामने आई। पायलट ने इसकी सूचना स्टेशन पर भी दे दी थी। इसके बाद पायलट विमान से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन विमान हनुमानगढ़ के सदर थाना इलाके में एक मकान पर जा गिरा। इस हादसे में पायलट तो सुरक्षित बच निकला, लेकिन दो ग्रामीणों की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया है। एक हेलीकॉप्टर से बचाव राहत दल मौके पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। घायल पायलट को तत्काल अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है। हनुमानगढ़ सदर थाना पुलिस के अनुसार विमान हादसे की उन्हें सूचना मिली है। पायलट क्रैश से पहले पैराशूट से सकुशल उतरने में कामयाब रहा, लेकिन विमान बहलोल नगर गांव में एक मकान पर जा गिरा। इस हादसे में कुछ ग्रामीण घायल हुए हैं। एक महिला समेत दो ग्रामीणों की मौत होने की सूचना है। वायुसेना के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस हादसे के बाद जानकारी साझा की गई है। इसके अनुसार वायुसेना का मिग 21 एयरक्राफ्ट सुबह सूरतगढ़ स्टेशन से अपनी रूटीन उड़ान पर था। हादसे के पहले पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा, हालांकि उसे कुछ चोटें आई हैं। वायुसेना की ओर से हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो अब जांच करेगी। जांच कमेटी की जांच में जो भी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट को हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।